रायबरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर। महिला की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। थाना क्षेत्र के सुरजीपुर मजरे सतवाखेड़ा गांव की रहने वाली महिला की दिन में करीब 11:30 बजे हमलावरों ने की हत्या। युवक से रुपयों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद हमलावरों ने घर में घुसकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। सरेनी थाना क्षेत्र के एक गांव में रुपयों के लेनदेन को लेकर 3 नकाबपोश हमलावरों ने एक महिला को उसके घर के अंदर घुसकर कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना के समय उसका पति मजदूरी करने गया था और उसके 3 बच्चे स्कूल गए थे। घर पर उसकी बड़ी बेटी मौजूद थी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वही 2 आरोपी मौके से भाग गए। पति की तहरीर पर पुलिस ने 1 नामजद व 2 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के सुरजीपुर मजरे सतवा खेड़ा गांव के रहने वाले भोला यादव पुत्र त्रिलोकी यादव और रामखेड़ा गांव के रहने मनीष प्रजापति पुत्र गंदी के साथ में राजगीर का काम करते थे। सोमवार को भोला यादव पड़ोस के गाँव में मजदूरी करने के लिए चला गया और घर पर उसकी पत्नी और बड़ी बेटी मौजूद थी। वहीं उसके 3 छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी चले गए थे। घर पर भोला यादव की 37 वर्षीय पत्नी ननकई और उनकी 15 वर्षीय बेटी रानी अकेली थी। इसी बीच मुख्य आरोपी मनीष प्रजापति अपने 2 नकाबपोश साथियों के साथ पहुंच गया और उसने बेटी रानी से 1 लोटा पीने का पानी मांगा। रानी कमरे के अंदर पानी लेने गई कि हमलावरों ने महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। बेटी जब तक मां को बचाने के लिए गुहार लगाती तब तक हमलावर मौके से भाग गए। दिन दहाड़े हुई वारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिए और साक्ष्य एकत्रित करके जांच शुरू कर दी। घटना की खबर पाकर पहुंचे भोला यादव ने मनीष प्रजापति